मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत आशा करूछि आपण समस्ते बहुत भल थिबे। वीडियो टि भल लागिले लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आज आम इंग्लीश एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस बुक रो चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़िबा। तो चैप्टर टा आरंभ करिबा। पहली एंड बोझो ओन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली आ बोझोटा कौन करछंती ना सेमाने तांको स्कूल रे जो क्विज कंपटीशन टा साइंस क्विज कंपटीशन टा हेतिला सेथिरे सेमाने पुरस्कार पाइछंती। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। आ सेमाने जो प्राइज रे किसी टंका पाइथिले सेमाने भाबिले जे बहुत खुशी हेले एवं सेमाने इच्छा कले जे तांको मां बापांको पई किछि कपड़ा किणिबे। व्हेन दे सॉ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। आ जेतेबेले सेमाने देखिले जे बहुत गुड़िए कपड़ार प्रकार अछि सेमाने कन्फ्यूज होगले द्वंद्वरे पड़गले। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेर कॉटन एंड सम वेर सिंथेटिक। तो से दुकानी जनक सेमानको कहिला जे किछि कपड़ा कॉटन रो आ किछि कपड़ा सिंथेटिक रो माने किछि नेचुरल रो आ किछि मैन मेड रो मनुष्य मैंने जो तैयारी कर चुनते सेथिरो। हि अल्सो हैड वूल एंड मफलर्स एंड सॉल्स। आउ ता पाखरे वूल रे तैयारी मफलर आउ साल गुड़ी को थिला। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। आउ ता पाखरे किछि बहुत गुड़िया सिल्क रो साड़ी मध्य थिला। पहली एंड बोझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली आउ बोझोटा बहुत खुशी हो गेले। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। सेमने से कपड़ा गुड़ी को विभिन्न प्रकार कपड़ा गुड़ी को छुईले आउ अनुभव कले। दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। और सेमने तांको पैसार गोटे वूल रो मफलर किणिले आउ गोटे कॉटन रो साड़ी किणिले। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहली एंड बोझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। तापर सेमने जेतेबेले सेठारु पळै आसिले तापर पहली आउ बोझोटा बहुत गुड़िए फैब्रिक माने बहुत गुड़िए प्रकार कपड़ा गुड़ी को अनुध्यान करने को लगे। दे फाउंड दैट बेडशीट्स ब्लांकेट्स कॉटन्स कॉटन माने परदा टेबल क्लॉथ्स टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ये जो से माने देखिले कौन कौन देखिले ना बेडशीट देखिले ब्लांकेट कंबल देखिले कॉटन्स पर्दा देखिले टेबल क्लॉथ माने टेबल ऊपर जो कपड़ा पक जाए सेटा देखिले टॉवल देखिले आउ डस्टर देखिले से आउ सेमाने अनुध्यान कर जानि पाले जे से गुड़ी को सब विभिन्न प्रकार कपड़ा रो तैयारी बा। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। आउ तांको स्कूल बैग मध्य आउ जो गनी बैग माने जो कौन झोट रो तैयारी जो बस्ता सेथिरु सेटा मध्य विभिन्न प्रकार फैब्रिक रो तैयारी बोली के सेमाने जानि पाले। दे ट्राए टू आइडेंटिफाए दिस फैब्रिक्स एज कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू अल्सो आइडेंटिफाए सम फैब्रिक्स। और से मैंने चेष्टा कर जानपारे जे से जो फैब्रिक गुड़िक हूँ कौन कॉटन वूल सिल्क आउ सिंथेटिक। वैरायटी इन फैब्रिक्स फैब्रिक कौन कौन वैरायटी थाए। विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। गोटे टेलर दुकान को जाओ आउ सेठारे जो तैयारी कर सारा पर किसी कपड़ा बड़ी जाए थे मैं छिंडा कपड़ा गुड़ाक जो थाए सेटा को कलेक्ट करो। फील एंड टच इच पीस ऑफ फैब्रिक। प्रत्येक पीस को छुओ आउ अनुभव कर। नाउ ट्राए टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन सिल्क वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तापर से दरजीर सहायतार से कपड़ा मानक अलग अलग स्थान रे रखिके सेमानक ऊपर लिखि दियो जे सेटा कॉटन रो ना सिल्क रो ना वूल रो ना सिंथेटिक रो। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। आ तुम्हें केबे चिंता करछ कि जे ए सब फैब्रिक माने कोथरे तयारी। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटीन्यूअस पीस। जितेबेले तुम्हें कोनोसी फैब्रिक को देखो ता तुमको लागे जे सेटा कंटीन्यू पीस माने सेटा सरेनी। नाउ लुक एट इट क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस। तापर से पाख को जाए क्लोजली नोटिस करो से कौन देखा जाउची। सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी वन। तो गोटे कॉटन फैब्रिक नेबा। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। तापर गोटे सूता को काढ़ टाणीबा। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन
आउट विथ ए पिन और ए निडल। आदि से कौन से सूता बाहर नहीं तुम्हें तो गोटे पिन साहु काढ़ी पार। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। आ गोटे फैब्रिक कौन होता है ना बहुत गुड़े यार्न को एकाठी करके अरेंज करा जाए से फैब्रिकटा तैयारी होता है मैंने यार्न गुड़ी को एका सांगरे सुसज्जित भाव रखिदे गुंथीदे से कौन या फैब्रिक या हुए। व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ तो यार्नटा पुणे कौन थी या तो ये पढ़ा फाइबर। एक्टिविटी थ्री टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। गोटे कॉटन फैब्रिक्रु गोटे सूता काढ़ी आनवा। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल और ए यार्न को टेबल रे थुई देबा। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज सोन इन फिगर 3.4। ए 3.4 रे जो देखा जाइए आम से सूतार गोटे मुंडे आम थम दबेबा आम बुढ़ा आंगुठी दबेदबा कौन करा आम नखरे से टाणी खिंची नवा माने यपटर यपट पर्यंत आम थम रखिकी एमती टाणी ताकू दबेक टाणी। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्पिल्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। आम देखे ता शेष कौन बाहर ना छोट छोट रुआ भि बाहर सहीटा। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। आते तुम गोटे छुंची रे सूता को पुरेबा को चाहूब से तुम देखि मेनी टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। बहुत गुड़े समय रे कौन हुए ना सूतार से मुंडीटा कौन हुए ना एमती जो छोट छोट सूतार बाहरी पड़ता है आ जो आम कौन कर से छुंची रे आम सूताटा गल पार ना। दिस मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आय ऑफ द नीडल। आईर हम असुविधा हुए से छुंची रे सूता गलैवापी। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। आ से जो छोट छोट स्ट्रैंड्सटा से आहरी छोट स्ट्रैंड्स तैयारी से ताकूम कहूँ कौन ना फाइबर। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो एथर आम कौन जान लें ना फाइबर फैब्रिकटा यार्न रु तैयारी आउ यार्नटा फाइबर तैयारी। तो प्रथम कौन आब फाइबर तापर आसब यार्न तापर आसब फैब्रिक। तो आम कौन जान लें प्रथम आसब फाइबर तापर आसब यार्न तापर आसब फैब्रिक। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन जूट सिल्क एंड वूलन वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कौन होता है ना किसी फाइबर्सटा आम प्लांट आउ एनिमल रु पाई था जमीती कि कॉटन जूट सिल्क आउ वूल। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। आउ कहुए प्राकृतिक फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन आउ जूटा कौन ना गछरु आम आनी था। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल आउ सिल्कटा एनिमल पाखरु पाई था। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूलटा आम छेली किंबा जो मेंढा थाए तार बाळर पाई था। इट इज अल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। आउ एहाकु ए जो रैबिट ठेकवार तार बाळर मध्य उणा जाय थाए याक एंड कैमल्स जो याक मैंने चमरी गाय आउ कैमल मैंने ओट से बाळर मध्य तयारी होय थाए। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म गोटे अच्छी तार कुकुन रु अणा जाए कौन ना सिल्क सिल्क से जो कुकुनटा कौन होता है ना एमती गोटे अंडा पर होता है से तैयारी होता है कौन ना सिल्क। फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बहुत बहुत हजार हजार वर्ष पूर्व कौन होता ना नेचुरल फाइबर वेयर ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स नेचुरल फाइबर रु ही कपड़ा तैयारी होता। इन द लास्ट 100 इयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस। ये जो किसी 100 किंबा 200 वर्ष पूर्व
ଏଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନହେଇକି ଏଇ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ରୁ କଢ଼ା ଯାଇନଥାଏ। ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର୍ସ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ପଲିଷ୍ଟର, ନାଇଲନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ରିଲିକ୍। କିଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର୍ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପଲିଷ୍ଟର, ନାଇଲନ୍ ଆଉ ଏକ୍ରିଲିକ୍। ପଲିଷ୍ଟର ଶାଢ଼ୀ ଶୁଣିଥିବ, ନାଇଲନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଣିଥିବ, ଆଉ ଏକ୍ରିଲିକ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ। ସମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଇବର୍ସ କଟନ୍। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ମେଡ୍ ୱିକ୍ସ ଫର୍ ଅଏଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍? ତୁମେ କେବେ ଯେଉଁ ତେଳ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଦୀପ, ଦୀପ ପାଇଁ ସଳିତା ତିଆରି କରିଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଦିସ୍ ୱିକ୍ସ? ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କର ଏ ଯେଉଁ ୱିକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସଳିତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଦିସ୍ କଟନ୍ ୱୁଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଫିଲିଂ ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍, କ୍ୱିଲ୍ଟସ୍ ଅର୍ ପିଲୋ। ଆଉ ଏହି କଟନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଆମ ରଜାଇ ଆଉ କ୍ୱିଲ୍ଟସ୍ ଅର୍ ପିଲୋ, ଆମ କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତକିଆ, ଏସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କଟନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଟେକ୍ ସମ୍ କଟନ୍ ୱୁଲ୍, ପୁଲ୍ ଇଟ୍ ଆପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏଜ୍। କିଛି କଟନ୍ ୱୁଲ୍ ନିଅ, ତାକୁ ଟାଣ, ଆଉ ତା'ର ଏଜ୍ ମାନେ ତା'ର ଧାର ପାଖରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ସେଇଟା ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ? ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ? ଦ ସ୍ମଲ୍ ଥିନ୍ ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦେଟ୍ ୟୁ ସି ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ କଟନ୍ ଫାଇବର୍ସ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହିଁ କଟନ୍ ଫାଇବର୍। ହୁଆର୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ କଟନ୍ ୱୁଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍? ଏଇ କଟନ୍ ୱୁଲ୍ଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍। ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। କଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଆଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ବ୍ଲାକ୍ ସୋଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଆଉ ଏହି କଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା, ଏହି କଟନ୍ ଗଛଟା ବା କପା ଗଛ ଯେଉଁ ଆମ ଏରିଆରେ କହନ୍ତି, କପା ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବ, ଏହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠାର ମାଟିଟା କଳା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗରମ ବାତାବରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଇଠାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନେମ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏର୍ କଟନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍? ତ କିଛି ରାଜ୍ୟର ନାଁ କହିପାରିବ କି ଯେଉଁଠାରେ କଟନ୍ ଚାଷ କରାଯାଏ, କପା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେମନ୍। ଆଉ ଏ କଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତା'ର ଫଳଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କଟନ୍ ବଲ୍ କହନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର୍ ମେଚୁରିଂ ଦ ବଲ୍ସ ବ୍ରଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଡ୍ସ କଭର୍ ୱିଥ୍ କଟନ୍ ଫାଇବର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ଏ ଫଳଟା ଫାଟିଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ବାହାରେ କ'ଣ ନା କଟନ୍ ଫାଇବର୍ ବାହାରେ ମଞ୍ଜି ସହିତ। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ସିନ୍ ଏ କଟନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ପିକିଂ? ତ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ଗୋଟିଏ କଟନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ତୋଳା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଥାଏ? ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ କଭର୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଲାଗିବ ଯେ ଯେପରି ସେଠାରେ ବରଫ ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ବଲ୍ସ କଟନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପିକ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏ ବଲ୍ର ଯେଉଁ କଟନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ହାତରୁ ହିଁ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ। ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଦେନ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଡ୍ସ ବାଇ କମ୍ବିଂ। ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କମ୍ବିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଜିନିଂ ବା ଗିନିଂ ଅଫ୍ କଟନ୍। ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ହିଁ ଗିନିଂ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗିନିଂ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲି ଡନ୍ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଗିନିଂ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲି କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା ନା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ମେସିନ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଜିନିଂ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜିନିଂ ହୋଇପାରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଜୁଟ୍ ମାନେ ଝୋଟ, ଜୁଟ୍ ଫାଇବର୍ ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଜୁଟ୍ ଫାଇବର୍ଟା ଏ ଯେଉଁ ଝୋଟ ଗଛ ଥାଏ ତା'ର କାଣ୍ଡରୁ କଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନି ସିଜନ୍, ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ଆଉ ଏ ଝୋଟଟା ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ ଆସାମରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ଜୁଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ହାରଭେଷ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏ ଝୋଟ ଗଛକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସମୟରେ ଅମଳ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଟା ଫୁଳ ଫୁଟିଥାଏ। ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାରଭେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆର୍ ଇମର୍ସଡ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁବେଇକି ରଖାଯାଏ। ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ରଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ଷ୍ଟେମ୍ଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଲାଗିକି ପଚିଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଫାଇବର୍ଟା ଅଲଗା କରି ନିଆଯାଏ ହାତରେ। ଟୁ ମେକ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ଫାଷ୍ଟ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୟାର୍ନ୍ସ।
आ ये सब फैब्रिक तैयारी करने प्रथम से यार्न में परिणत कराए। हाउ इज इट डन, तो यह किपर तैयारी कराए? स्पिनिंग कॉटन यार्न, यू कैन ट्राई मेक कॉटन यार्न योरसेल्फ। होल्ड सम कॉटन वूल, एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, किसी कॉटन वूल को गोटे हाथ में धर, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, आउ अन्य हाथर थंब आ फोर फिंगर रे आउ किसी कौन धरव ना कॉटन धरव। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, आउ तापरे आराम से धीरे धीरे से कॉटन को काढ़ा को आरंभ कर। विथ कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न, तो तापरे ताकु धीरे धीरे मोड़ा द्वारा कौन हम ना यार्नटा तैयारी हम, तो तुम्हें किसी बन पार कि कमेंट मध्यम जनइब। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो जो प्रोसेस रे फाइबर रु यार्नटा तैयारी करा जाए ताहा को स्पिनिंग कहा जाए। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ए प्रोसेस रे कौन हुए ना फाइबर रु कॉटन बहुत गुड़िया कॉटन टा काढ़ी निया जाए और ताको ट्विस्ट करा जाए मोड़ा जाए आउ कौन करा जाए ना से यार्न तैयारी करा जाए। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, तो गोटे साधा डिवाइस टे जंत्र टे जहाद्वारा कि कौन करा जाए ना स्पिनिंग करा जाए ताहाको कौन कहती टकली बोल कि कहती। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, आ गोटे डिवाइस आ गोटे जंत्र जहाद्वारा कि स्पिनिंग करा जाए ताहाको कौन कहती ना चरखा बोल कि कहती। तुम्हें तो देखी थ चरखा एटा गांधीजी मध्य चलाउथिले। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, महात्मा गांधी को द्वारा ये चरखाटा बहुत लोकप्रिय हो जाइथिला कहा द्वारा ना ये जो स्वाधीनता संग्राम समय रे। ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पून यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सन इंपोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, से लोक मानक उत्साहित करुथिले जे निजे तैयारी करथबा खादी पिंध आउ जो ब्रिटेन रो मिल तैयारी होकि आसुचि कपड़ा ताको वर्जन कर। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन इन 1956, ए खादी को भारत सरकार कौन करने ना लोकप्रिय करने आग को बढ़ावाप गोटे कमिशन गठन कले जार ना दे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन 1956 यहाँ तैयारी करते भारत सरकार। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विथ द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, बहुत बड़ आकार रे यार्न तैयारी करने कौन करा जाए ना बहुत गोटे बड़ स्पिनिंग मशीन रो आवश्यकता होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स, आ स्पिनिंग हो सारा पर यार्न रो फाइबर फैब्रिक्सटा तैयारी होता है यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, बहुत गुड़िए उपाय अच्छे जहाद्वारा कि यार्न रु फैब्रिकटा तैयारी करा जाए। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, दुईटा मुख्य प्रोसेस होचे जहाद्वारा कि फैब्रिक तैयारी होते सेटा होचे वीविंग आउ निटिंग। वीविंग इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, तो एक्टिविटी 2 रे देखी थिबो जे दुईटी सूता द्वारा भल भाव अरेंज करा जाइथिला गोटे कपड़ा रे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, तो दुईटी दुईटा यार्न सेट द्वारा जो अरेंज करा जाए था कपड़ा तैयारी करिया पई ताहा को ही कहा जाए वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, एटा एक्टिविटी 5टा दुईटा पेपर शीट को वीव करिया पई कहि छि एथरे किछ नै। तापर पढ़िबा हमें नीटिंग। Have you noticed how sweaters are knitted? तो तुम्हें केबे अनुमान कर छु कि ए स्वेटर माने केमिति भाबरे नीटिंग करा जाथे, नीटिंग माने बुनिबा। ए सिंगल यार्न यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, गोटे सिंगल यार्न रु गोटे फैब्रिक तैयारी करा जाथे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, तो गोटे सॉक्स रु तुम्हें केबे से सूता को टाणी को चेष्टा कर छु कि व्हाट हैपेंस, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावल्ड, तो देखि थिबो जे सेतर जदि टाणी सूता को तापर कंटिन्यूअसली सूता बाहर 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 थबो बाहर थबो बाहर थबो
କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ସକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର କ୍ଲଥିଂ ଆଇଟମ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ନିଟିଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ସକ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ନିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ନିଟିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅନ୍ ମେସିନ୍ସ। ଏ ନିଟିଂଟା ହାତରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ରୁ କେମିତି ନିଟିଂ କରାଯାଉଛି ଚିତ୍ରରେ, ଆଉ ଏ ନିଟିଂଟା ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ୱିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନିଟିଂ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍। ୱିଭିଂ ଆଉ ନିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ଲଥିଂ ଆଇଟମ୍ସ। ଆଉ ଏ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କ୍ଲଥିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ଏ କ୍ଲଥିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ହେଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ୱଣ୍ଡର୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଫର୍ କ୍ଲଥ୍ସ। ତ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ କି ଯେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ କପଡ଼ା ଜାଗାରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିବେ? ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଟାଇମ୍ସ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ବାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବିଗ୍ ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଆନିମଲ୍ ସ୍କିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ସ ଟୁ କଭର୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭ। ତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଗଛର ଛାଲି ଯେଉଁ ବକଳ କହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଆଉ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ରୁଆ, ସେ ତାହାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର କପଡ଼ା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେହକୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର୍ ପିପୁଲ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ସେଟେଲ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଦେ ଲର୍ନ ଟୁ ୱିପ୍ ଟ୍ୱିଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍କେଟ୍। ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ବୁଣାବୁଣି କେମିତି କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଘାସକୁ ସେମାନେ ବୁଣିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତିଆରି କଲେ, ବାସ୍କେଟ୍ ମାନେ ତିଆରି କଲେ, ଭାଇନ୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ଫ୍ଲିସ୍ ଅର୍ ହେୟାର୍ ୱେର୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁଗେଦର୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପଶୁଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଳ ଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଳ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ସେମାନେ ବୁଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ମାନ ତିଆରି କଲେ। ଦିସ୍ ୱେର୍ ଓଭେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ଆଉ ତା'ପରେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କପଡ଼ା ତିଆରି କଲେ। ଦ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓର୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରିଓ ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍ ନିୟର୍ ଦ ରିଭର୍ ଗଙ୍ଗା। ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କଟନ୍ରୁ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା, ରିଭର୍ ଗଙ୍ଗାର ତା ପାଖରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ସେଥିରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଫ୍ଲାକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ନେଚୁରାଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ଫ୍ଲାକ୍ସ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଦେଇଥାଏ। ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟ କଟନ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଓଭର୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ନିୟର୍ ଦ ରିଭର୍ ନାଇଲ୍। ତ ପୁରୁଣା ଇଜିପ୍ଟରେ ନୀଳ ନଦୀ ପାଖରେ କଟନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଟିପିବାଟା ମାନେ ଟେଲର୍ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରେ ସେଇଟା ଜଣାନଥିଲା, ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବାଟା ଜଣାନଥିଲା, ସିଲେଇ କରିବା ଜଣାନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ପିପୁଲ୍ ସିମ୍ପଲି ଡ୍ୟାପ୍ ଦ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦିଆର୍ ବଡ଼ି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାପିଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ୱେର୍ ୟୁଜ୍ଡ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ। ୱିଥ୍ ଦ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଇଂ ନିଡ଼ିଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ କ୍ଲଥ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚିଟା ତିଆରି ହେଲା, ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ କପଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଷ୍ଟିଚ୍ଡ କ୍ଲଥ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ମେନି ଭେରିଏସନ୍ ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍। ବଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଆମେଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ ଶାରୀ, ଧୋତି, ଲୁଙ୍ଗି ଅର୍ ଟର୍ବାନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ଡ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ସିଲେଇ କରିଥିବା କପଡ଼ା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତିକି ଶାଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା, ଧୋତି ହୋଇଗଲା, ଲୁଙ୍ଗି ହୋଇଗଲା, ଟର୍ବାନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେତକୁ ଟର୍ବାନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହୋଇଗଲା। ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟିପୁନା ମାନେ ସିଲେଇ କରୁନା। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଭେରାଇଟି ଇନ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଇଟେନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଆୱାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏ ଲାର୍ଜ ଭେରାଇଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଥିଂ ଆଇଟମ୍ସ। ଯେମିତି ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ାମାନ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ହଉ। ତ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।